हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ अस्का वहीद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे बहुत खुश होंगे मज़े में होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान और सीधे सादे तरीके से वेजिटेबल्स पैगिटीज लेकिन उससे पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आई बटन सो वेन आई विल पोस्ट समथिंग यू विल इंस्टेंटली गेट नोटिफिकेशन सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अच्छा ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज़ वेल इंग्रीडियंट्स में सबसे पहले हम लेंगे चिकन चिकन हम बोनलेस लेंगे आधा किलो और उसके बाद वेजिटेबल्स लेंगे ये बंद गोभी हम लेंगे एक पाउल वेजिटेबल्स जो है वो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेने हैं हमें जितना पसंद करते हैं आप वेजिटेबल्स आप उतनी ले सकते हैं लेकिन जो मॉडरेट अमाउंट्स हैं वो यही है कि टू फिफ्टी जो है आप गाजर और शिमला मिर्च ले लें उसके बाद हमने लहसुन अदरक पेस्ट लेनी है कुकिंग ऑयल लेना है नमक लेंगे और काली मिर्च लेंगे स्पाइसेस में हम सिर्फ नमक और काली मिर्च लेंगे इसके अलावा हम कुछ और ऐड नहीं करेंगे और स्पैगेटीज़ लेंगे स्पेगेटीज या एल्बो मैक्रोनिस विच एवर यू प्रेफर हम वो लेंगे और सॉसेस लेंगे चिली सॉस सोया सॉस विनेगर हम ये तीनों डालेंगे तो ये हो गए हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स सो विदाउट फर्दर स्टार्ट अच्छा सबसे पहले हमने स्पेगटीज़ को बॉईल करना है बॉईल करने के लिए हम बॉईल पानी के अंदर दो चम्मच जो है वो ऑयल डालेंगे ताकि जो हमारी स्पेगेटीज हैं वो जुड़े ना फिर हमने उसके अंदर नमक और स्पेगेटी डाल के उसको हमने बॉईल करना है जब वो हाफ़ बॉईल हो जाएंगे तो उसको हमने स्ट्रेन कर लेना है अब हम अपनी वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमने दो टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का डाला और उसके अंदर हमने लहसुन अदरक पेस्ट डाल के उसको दो चार मिनट के लिए जिस तरह हम नॉर्मली जो है वो पकाते हैं उसको हमने पका के उसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है चिकन ऐड करके उसको दस पंद्रह मिनट के लिए पकाते हैं ताकि वो जब वाइट हो जाएगा तो उसके अंदर हमने जो अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है वेजिटेबल्स में हम सबसे पहले शिमला मिर्च और गाजर डालेंगे इन दोनों को डाल के हम अच्छी तरह पहले दो चार पाँच मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसमें बंद गोभी डालेंगे क्योंकि जो शिमला मिर्च और गाजर जो है एज़ कम्पेयर टू बंद गोभी जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं इसलिए पहले हम इनको डाल के पका लेते हैं और फिर इसमें बंद गोभी ऐड करते हैं ताकि कोई वेजिटेबल जो है वो हमारी कच्ची ना रह जाए अब इसको हमने पकाने के बाद इसमें हमने बंद गोभी डाली है और फिर इसको हमने मिक्स कर दिया है अच्छा आपने इसके बाद नमक डालना है उसको अच्छी तरह मिक्स करना है और उसके बाद अपनी सारी सॉसेस जो है वो इसमें ऐड कर देनी है सॉसेस में सोया सॉस चिली सॉस विनेगर अगर तो आप मॉडरेट टेस्ट uh, जो है वो पसंद करते हैं तो आप uh, तीनों सॉसेस का टू टेबल स्पून ऑफ़ ईच सॉस यूज़ कर सकते हैं अगर तो आप ज़्यादा स्पाइसी यूज़ करते हैं तो वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है सॉसेस डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके इसमें आपने काली मिर्च डालनी है सिर्फ नमक और काली मिर्च डलेगी इसके अलावा कोई और स्पाइस नहीं डलेगी उसको अच्छी तरह मिक्स करना है उसमें आपने स्पैगी ऐड करनी है स्पैकिटी ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करना है उसको कवर करना है और उसको आपने पाँच मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देना है ताकि वो अच्छी तरह पक जाए एंड टारा योर स्पैकिट इज रेडी दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू गाइज लाइक माय वीडियो देन लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब इट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा ला फेस